नमस्कार मित्रों, ज्वाइंट स्टडी के इस एक और वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। और पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था देखिए, उसकी झलक आपको भारतीय शेयर बाजार में मिल जाएगी। वैसी कंपनी जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है, या जो FMCG से रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है, IT की कंपनियां जिनमें ज़्यादातर लोगों का निवेश रहता है, रियल इस्टेट की कंपनी, सीमेंट की कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी, रेलवे, डिफेंस, इसमें ज़्यादातर भारतीयों का निवेश रहता है। तो जब हम देखते हैं इसके स्टॉक्स को, इन कंपनियों के स्टॉक्स को, तो क्या पता चलता है कि डाउनग्रेड जा रहा है हमारा, इंडेक्स कहिए या सेंसेक्स कहिए या बैंक निफ्टी कहिए, सब धीरे धीरे डाउनग्रेड है। वैसे एक बेस बना हुआ है, वो बेस टूटता है तो और नीचे जाएगा, लेकिन कितना ज़्यादा करेक्शन हुआ ये भी देखने की बात है। वैसे ये बात सच्ची है कि जितना FIIs ने भारत से निकाला, उस हिसाब से हमारा शेयर बाजार नहीं गिरा, बहुत अच्छी बात है, मगर गिरावट तो है। शेयर बाजार कभी उठता है कभी गिरता है, और यदि कभी शेयर बाजार में कभी रिवर्सल आता है, शेयर बाजार कभी उठता है तो फिर ऊपरी स्तर पर बिकवाली आ जाती है। मतलब अब हर अपवार्ड पर, हर बार शेयर के उठने पर लोग बिकवाली करते और अपना पैसा निकाल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कई कंपनियों के Q3 के रिजल्ट्स खराब आए, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, भारत में फूड इन्फ्लेशन बहुत हाई हो चुका है। यदि हम इधर देखते हैं रिकॉर्ड में, तो देखिए सितंबर में जो खुदरा मुद्रा स्फीति थी वो 5.49% हो गई, जो 9 महीने के उच्चतम स्तर पर है। फूड इन्फ्लेशन भी बहुत हाई है। आपने टैक्सेस भी कई चीज़ों पर बढ़ा दिए हैं, तो लोगों के पास पैसे नहीं हैं। अब रह गई, इसका एक एग्जांपल देखते हैं ऑटो सेक्टर्स में। ऑटो सेक्टर्स में टाटा के Q3 रिजल्ट्स खराब आए, बजाज के आए, कई कंपनी के जो 4-व्हीलर और 2-व्हीलर्स बनाती हैं उसके रिजल्ट्स खराब आए, मतलब उसके बिक्री के आंकड़े खराब आ गए। लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो खरीदेंगे कहाँ से? जिनको 1 करोड़ की गाड़ी खरीदनी है, जिनको 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीदनी है, वो किसी विदेशी कंपनी की गाड़ी खरीदते हैं। लेकिन भारतीय कंपनियों की जो गाड़ियां हैं, भारतीय कंपनीज की जो गाड़ियां हैं, वो आम आदमी जो खरीदता है वो 10 लाख तक का खरीदता, और थोड़ा ऊपर जाता है तो 15-17 लाख तक का खरीदता, इससे ज़्यादा का नहीं खरीदता है। लोग 5-4 लाख तक की भी गाड़ियाँ खोजते और वो भी खरीदते हैं, और 2-व्हीलर में तो 85,000 का मिले, 90,000 का मिले, या 1 लाख 1.25 लाख का मिले, उतने में लोग खरीदते हैं। लोग को कल 3 लाख की गाड़ी मिल जाए, लोग उसको खरीद लें। यानी आम आदमी की खरीद से ये चीज़ें बढ़ गई, मतलब दूर हो गई। वही हाल हुआ जो बैंक का हुआ था। आम आदमी जो बैंक में डिपॉजिट करता है, उसको दूर, जिस तरह जिस दिन से बैंक ने किया, समस्याएं बैंक में आने लगी, उसी तरीके से आपने आम आदमी पर जो टैक्स का बोझा डाला, आम आदमी, ठीक है, आपने टैक्स लिया, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो सुविधाएं होती थी वो नहीं मिली, जिसके कारण उन सुविधाओं के लिए भी आम आदमी को पे करना पड़ा। मैं सिर्फ इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप मामूली म्यूनिसिपैलिटी टैक्स देख लीजिए ना, जितना वो हमसे लेते हैं उसके अगेंस्ट में कोई सुविधा नहीं देते हैं, और उन सुविधाओं के लिए भी हमें पे करना पड़ता है प्राइवेट
क्षेत्रों में। तो बात है वो टैक्स किस लिए। एक सही बात कहा गया था कि टैक्स तो आपको यूएस की तरह चाहिए और सुविधाएं आप बुरुंडी और युगांडा की तरह देते हैं। ये समस्या है जिसके कारण भी हमारा पैसा खत्म होता है। आप टैक्स लीजिए लेकिन सुविधा भी उस स्तर पर दीजिए, तो हमारा जो भी टैक्स के बाद पैसा बचता है वो हमारे पास रह जाएगा, फिर वो मार्केट में खर्च होगा। और आदर्श स्थिति यही है। यदि ये स्थिति आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो फिर आप कम भी टैक्स ले उससे भी कुछ नहीं होने जाने को है। इसलिए आदर्श स्थिति सबसे पहले लानी होगी, क्योंकि भारत अब उस जगह पर है जहां से उसको तीसरी अर्थव्यवस्था बननी है, लेकिन दूसरे बाकी तीसरी और चौथी अर्थव्यवस्था गिर जाए इसलिए हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएं, ऐसा न हो करके हमें उनको हराते हुए तीसरी अर्थव्यवस्था बननी है। वो भी ग्रो करे और हम भी ग्रो करें और हम फास्टली ग्रो करें और तब तीसरी अर्थव्यवस्था बने। तीसरी अर्थव्यवस्था, तीसरी और चौथी अर्थव्यवस्था के गिरने से हम यदि तीसरी अर्थव्यवस्था बनते हैं तो कुछ नहीं होने जाने को है। हम यदि तीसरी अर्थव्यवस्था 8 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन के इकोनॉमी के साथ बनते हैं तो कुछ हो सकता है। इसके लिए हमें 2 डिजिट में अपना ग्रोथ दिखाना होगा। ठीक है, अब देखिए बाजार में लोग खरीद नहीं रहे हैं, ऑटो का तो हमने एग्जांपल दे दिया। आप एफएमसीजी में आइए ना, शहरी क्षेत्रों में डिमांड में कमी आई है। ये सारी एफएमसीजी कंपनियां लगभग ये बात कह रही हैं। एफएमसीजी में दिक्कत है, आप रियल इस्टेट में आपको दिक्कत है, रियल इस्टेट कम होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दिक्कत आएगी। तो धीरे 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 चारों तरफ से कमियां आने लगेंगी और ये कमियां धीरे धीरे हमारे अर्थव्यवस्था को मंदी के दौर में धकेल देंगी। इसलिए समस्या तो आ गई है। यदि यही स्थिति है तो मान लीजिए समस्या आ गई है, बाजार में पैसे आ नहीं रहे हैं, शेयर उठ नहीं रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है और प्रोजेक्ट मिल भी रहा है तो डिलीवर्ड नहीं हो पा रहा है सरकारी संस्थाओं की तरफ से, उनकी डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रही है, तो समस्या तो आ गई है। इस समस्या को जितनी जल्दी हो सके सॉल्व कर लेना चाहिए और इसके लिए अगले वित्त वर्ष का भी इंतजार न करके इन समस्याओं को, चलिए ठीक है आप टैक्स कम नहीं कर सकते, आप चार्जेस कम नहीं कर सकते, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो सुविधाएं मिलती है उसे तो कड़ाई से दिलवा सकते हैं। जहां जहां, मैं इनकम टैक्स की ही सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीएसटी की ही बात नहीं कर रहा हूं, आम आदमी के जीवन में सिर्फ इनकम टैक्स और जीएसटी ही नहीं है, म्यूनिसिपल टैक्स है, रोड टैक्स है। आम आदमी के लिए यदि कल को आप गाड़ी लेके कहीं जाते हैं तो टोल टैक्स है। कई जगह असुविधाओं के बावजूद हमें ये टैक्स देना पड़ता है, इसके अगेंस्ट में हमें कोई सुविधा नहीं मिलती। अरे भाई टूटे और गड्ढे वाले सड़कों पर लोग टोल वसूल रहे हैं, कहाँ हैं आप? हमसे जो म्यूनिसिपैलिटी टैक्स लिया जाता है उसके अगेंस्ट में सुविधाएं नहीं दी जाती, कहाँ हैं आप? आप कई शहरों गांवों में चले जाएं, आपके 1 रुपये के सिक्के 2 रुपये के सिक्के लोग नहीं ले रहे हैं। हाँ भाई इस नंबर पे कॉल कर दीजिएगा, जो नहीं लेता यहाँ शिकायत कर दीजिएगा, इससे कुछ नहीं होता। लोग आप तक शिकायत करते भी हैं तो आप सुनते हैं कि नहीं सुनते, इस पर भी समस्या है। ऐसी छोटी छोटी गलती पर कठोर कार्रवाई का आपके पास, मतलब कठोर कार्रवाई के क्रियान्वयन का आपके पास अधिकार होना चाहिए और आप उसको कीजिए। ये मामूली गलती नहीं है, फिर आप तक शिकायत करेंगे, फिर वो कहेगा नहीं सर हम तो ले रहे थे। एक लंबी कहानी में कोई फंसना नहीं चाहता। खुद आपके जब ट्रेन में लोग चलते हैं और उसमें जब कोई खाना ऑर्डर करता है उसमें लोग को उसकी रसीद लेने के लिए, मतलब वो तक नहीं मिलता है, लोग कौन चक्कर में पड़े दे देते हैं। क्योंकि हमारे शिकायत पर ऐसा नहीं कि आप हमें इंटरोगेट नहीं करेंगे, आप हमें भी इंटरोगेट करने लगते हैं,
जिसके कारण लोग उस पचड़े में नहीं पड़ते हैं। समय बर्बाद कोई नहीं करना चाहता। एक तो पैसा बर्बाद हो रहा है, उसके बाद समय भी बर्बाद करें, ये संभव नहीं है। एक्सपोर्ट हमारा कम होता जा रहा है, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। एक्सपोर्ट यदि कम होता चला गया, धीरे 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 उस गतिविधि में भी हम पीछे हो गए, तो और समस्या आएगी। मुद्रा का वैल्यू कम होता जा रहा है। हालांकि इसको, मुद्रा के वैल्यूएशन को मैं कहूँगा एक्सपोर्ट बढ़ाने में यूज किया जा सकता है, और वो कॉम्पिटिटिव क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए आप जो करते हैं वो सही है, ठीक है। लेकिन हमारी आर्थिक गतिविधियाँ कम होती जा रही हैं, क्योंकि कैश इनफ्लो कम हो गया है। लोग कैश ले लेके बैठे हैं, लेकिन कैश फ्लो नहीं हो रहा है। जितने फंड्स मैनेजर वगैरह, क्या है ये 10-10%, 20-20% के कैश पर बैठे हैं। ये उसी कैश को ये मार्केट में नहीं दे रहे हैं, और FIIs ने 1-2% बेच दिया तो हाहाकार है, वो भी उतना परसेंट बेच के कैश पर बैठे हैं, आप यही मान के चलिए, या कैश कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। तो पहले जिनके पास कैश है वो मार्केट में डालें, तब FIIs से उम्मीद कीजिएगा। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स अभी भी बाजार को बचा रहे हैं ना, इनका सम्मान करना सीखिए। बस सम्मान में सब कुछ आ जाता है। मैंने कहीं नहीं कहा कि आपने टैक्स ज़्यादा लिया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ टैक्स लिया सुविधाएं नहीं दी। हर क्षेत्र में, सिर्फ इनकम टैक्स और GST की बात नहीं है, हर जगह यही कहानी। लोगों के पास पैसे नहीं हैं, मार्केट में पैसा आ नहीं रहा है, आर्थिक गतिविधियाँ धीरे धीरे क्रय विक्रय की रुकती जा रही हैं, और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे पास तो कुछ वर्ग है जो ईस्टर्न यूरोप और अमेरिका के लेवल पे अर्थव्यवस्था में वो जी रहा है, वैसी आर्थिक स्थिति में जी रहा है। कुछ लोग ईस्टर्न यूरोप की आर्थिक स्थिति में जी रहे हैं, कुछ लोग दुबई और सऊदी अरब की आर्थिक स्थिति में जी रहे हैं, कुछ लोग इंडोनेशिया और नॉर्थ, या फिर आप कहिए ईस्टर्न एशिया की साउथ की आर्थिक स्थिति में जी रहे हैं, कुछ लोग अभी भी घाना और बुरुंडी की आर्थिक स्थिति में जी रहे हैं। अलग अलग वर्ग हैं, लेकिन जिस दिन आपके यहाँ घाना और बुरुंडी की आर्थिक स्थिति में जीने वाले लोगों की मार्केट में गतिविधि बढ़ जाएगी, उनके हैंड से भी कुछ खरीदारी और कुछ बिक्री शुरू हो जाएगी, जब वो कैश फ्लो करने लगेंगे बाजार में, तब आप समझिएगा अब आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने लगी है राष्ट्र की। लेकिन उनके पास से कैश इनफ्लो नहीं हो रहा है, बस वो एक ऐसे फूड इन्फ्लेशन के चक्कर में वो वर्ग पड़ा है, जो वर्ग घाना बुरुंडी या सब सहारन एरिया के हिसाब से जीता है, जिनके पास वो आर्थिक स्थिति है, वो ऐसे फूड इन्फ्लेशन में फंसा हुआ है जहाँ से उनके द्वारा आर्थिक गतिविधि में पैसा लगाने की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने फूड, रोटी और कपड़ा इसी के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो हर क्षेत्र को आगे बढ़ाइए और इन्वेस्टर्स की इज्जत करना सीखिए, देखिए आपका बाजार फिर बूम कर जाएगा। किसी दूसरे के भरोसे हमें अपने बाजार को नहीं रखना है। समस्या है, पैसा कम पड़ रहा है, लोग बाजार में डिमांड कम हो गया है लोगों का, लोग कम डिमांड करने लगे, सिर्फ ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं और कुछ नहीं, और जो ज़रूरत से ऊपर खर्च कर सकते हैं वो भारतीय बाजार में खर्च ही नहीं करते। तो जो ज़रूरत से ऊपर खर्च करते हैं वो भारतीय बाजार में खर्च नहीं करते, और जो भारतीय बाजार में खर्च करते हैं उनके पास खर्च करने के लिए कुछ है नहीं। कहानी यही है, इस सच्चाई को मान के इसका समाधान कीजिए, फिर से शेयर बाजार हरा भरा हो जाएगा, सब जगह डिमांड बनेगी, फिर सब उड़ने लगेगा, और आपके भी बिजनेस चलेंगे, हमारे भी बिजनेस चलेंगे, हमारी भी कंसल्टेंसी चलेगी, आपकी भी कंसल्टेंसी चलेगी, सब कुछ चलेगा, इसके बिना कुछ नहीं चलेगा। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप देखें और लोगों को भी शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वैसे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।